वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस फॉर एग्जाम। दोस्तों ये आपको न्यूज़ है वही एलटी ग्रेड पेपर लीक के मामला में। कल जैसे आप लोगों को पता है कि कल छापे मारी हुई है और पूरा इलाहाबाद हिल चुका है, और जैसे आप लोगों को पता है कि मेंस आने वाला 2018 का मेंस, तो काफ़ी छात्र निराश हो चुके हैं क्योंकि जो तैयारी भी कर रहे थे उनका भी कॉन्फिडेंस टूट चुका है, क्योंकि ये सीधा सीधी पेपर लीक का मामला है। और जैसा खबर चल रहा है कि ये एलटी ग्रेड पेपर का जो मामला चल रहा है, तो कई लोग बता रहे हैं कि ये मेंस 2018 का भी पेपर हो सकता है, क्योंकि आज के जो न्यूज़पेपर में एक जगह लिखा भी हुआ था कि वहाँ जो छापेमारी कर रहे थे वो आपको पीसीएस मेंस का कुछ डिस्कशन कर रहे थे। तो ये क्या है क्या नहीं है, बाकी मैं अभी आपको अपडेट बता देता हूँ। ये 5 बजे का न्यूज़ है। तो देखिए, एलटी ग्रेड पेपर लीक मामले में परीक्षा नियंत्रक के आवास पर भी छापेमारी होगी, तो और ऑफिस में तो तलाशी अब जारी होगी ही। तो न्यूज़ इसमें यही है दोस्तों कि परीक्षा नियंत्रक अंजू कटारिया के आवास और कार्यालय की तलाशी के लिए सर्च वारंट जारी कर दिया गया है। अब भ्रष्टाचार की अदालत के विशेष न्यायाधीश की ओर से एलटी ग्रेड की परीक्षा के पेपर लीक होने के मामले में यह वारंट जारी किया गया है। इस मामले में दर्ज मुकदमे में आरोपी ने, यानी कौशिक कुमार जो प्रिंटिंग प्रेस के मालिक थे, उन्होंने कहा है कि वो सचिव को 10 लाख रुपये दिए हैं। तो दोस्तों देखिए कितनी बड़ी बात है, यह सचिव को 10 लाख रुपये देने की बात कही जा रही है। ये वही आयोग है जहाँ से कई बड़े बड़े पदाधिकारी SDM DSP कई ऐसे पोस्ट है जो निकलते हैं, तो उनका जो सचिव को ही यहाँ बात की जा रही है कि उनको वो घूस देते थे। तो सैंपल पेपर साथ हुआ था गिरफ्तार। और बता दें कि 26 मई को लोक सेवा आयोग का पेपर छापने वाले प्रिंटिंग प्रेस के मालिक आरोपी कौशिक कुमार को इलाहाबाद स्थित लोक सेवा आयोग ऑफिस के पास से STF ने सैंपल पेपर के साथ गिरफ्तार किया था। साल 2018 में हुई एलटी ग्रेड की परीक्षा में आरोपी ने परीक्षा के एक दिन पहले सहयोगी आरोपियों के जरिए प्रति छात्र 2.5 से 5 लाख, मतलब सोच लीजिए 50 छात्रों को इन्होंने पेपर हल कराया था, और सबसे लगभग ये 2.5 से 5 लाख रुपए लिए थे। तो सोच लीजिए कि ये जो भ्रष्टाचार है वो किस लेवल पे है, मतलब सोचने हम लोग के जो सोच है उससे भी ऊपर है ये भ्रष्टाचार। इसके पहले CBI जांच कर रही थी, जो राजीव रंजन जो थे कर रहे थे, उसके बाद उसका क्या हुआ कुछ अता पता कुछ नहीं चल रहा है। अब पता नहीं ये योगी सरकार जी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो देखिए इसके बाद यही है कि 26 मई को आरोपी लोक सेवा आयोग की सचिव से मिलने गया, तब PCS मेंस के सील पेपर छापने को दिया गया था। मतलब कि जिस समय वो ये PCS मेंस का जहां आपको पेपर छपता है, ठीक है, वही मालिक है जो ये काम कर रहा है। तो ये क्या गारंटी है कि जो इस बार अभी जो होने वाला है मेंस 17 जून को, उसका पेपर भी आउट ना हुआ हो, कोई गारंटी है? क्योंकि यही तो छापता है। तो ये तो बहुत बड़ा चीज़ है, और आपको जैसे पता है कि डेट आगे बढ़ाने के लिए अभी हाईकोर्ट में आपके मामला चला गया है, वहाँ आप सुनवाई होगी। तो दोस्तों स्थिति काफ़ी दयनीय है, काफ़ी बुरा है। अब क्या कहा जा सकता है, इससे बुरा भी स्थिति किसी आयोग में हो तो और क्या कहा जा सकता है, कि जो पेपर छापता है मालिक वही सेटिंग करता है, तो इससे बड़ी चीज़ क्या है। और आप लोगों को जैसे पता होगा कि लोअर 15 का भी मार्कशीट नहीं दिया गया है, 16 मेंस का भी मार्कशीट नहीं दिया गया है, 17 का तो खैर रिजल्ट ही नहीं आया है, काफ़ी स्थिति खराब हो चुका है। तो आरोपी का कलमबंद बयान दर्ज कराने की मांग, विवेचक CEO पिंडरा अनिल रॉय ने कोर्ट में आवेदक को लेकर कलमबंद 30 जून को अदालत ने, मतलब ये अगला डेट आपको 30 जून को पड़ा है। तो ओवरऑल स्थिति काफ़ी ख़राब है दोस्तों, और आप लोग का जिसका एग्जाम है मेंस का, आप लोग तैयारी करते रहें, क्योंकि बहुत काफ़ी कम चांस है कि डेट बढ़ेगा। ये आयोग है, कुछ भी कर सकता है, आप लोग जैसे देख रहे हैं ये स्थिति क्या है। और मतलब मैं क्या कहूँ, फिर से वही चीज़ है कि जो पेपर छाप रहा है वही सेटिंग कर रहा है, तो कोई गारंटी नहीं है कि 18 का भी पेपर आउट ना हुआ हो। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भगवान बचाए और योगी जी बचाए, बाकी तो स्थिति देख ही रहे क्या है क्या नहीं है। तो दोस्तों कोई भी अपडेट होगा तो मैं आपको फिर से अपडेट दूंगा, तब तक के लिए थैंक यू।